हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सरकार ने डालना शुरू कर दिया है सभी खातों में 5,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। जी हाँ भाइयों, कैटेगरीज वाइज डाले जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है महिला की, उसके बाद किसान की और उसके बाद मजदूर की। जी हाँ भाई, इन सभी खातों में 5,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये की राशि सरकार डालना शुरू कर दिया है। तो भाई, हम आपको बताएंगे ये राशि किस प्रकार आपके खातों में पहुंचेगी, साथ ही इसलिए आपको क्या क्या करना होगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कुछ नियम और शर्त रखी है जो आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ भाई, अगर आपने इस वीडियो पहले अगर आपने लिस्ट में नाम जुड़वाया था तो आपके खातों में 5,000 रुपए से लेकर 1,000 रुपए की राशि पहुंचना शुरू हो चुकी है। जी हां भाई, अगर आपने नाम जुड़वाया नहीं है तो आप नाम किस प्रकार जुड़वा सकते हो लिस्ट के अंदर, उसके लिए हम आपको बताएंगे इसमें पूरी जानकारी, जिसके तहत आपका नाम जुड़कर आपके खातों में ये राशि तुरंत पहुंचने लग जाएगी। जी हां भाइयों, 15 सितंबर के समथिंग ये सारे रुपए खाते में आना शुरू हो जाएंगे। सरकार ने कर दी एक बहुत ही बड़ी घोषणा। अब ये किस प्रकार किस कैटेगरी में आ जाएगी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, किन किन खातों में किस प्रकार रुपए पहुंचेंगे, साथ अगर आपके खातों में रुपए नहीं पहुंच रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो भाई बिना काटे पूरा देखना। लेकिन भाई, वीडियो देखने से पहले हमारी विनती है, वीडियो को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाए, साथ में घंटे का निशान जरूर दबा लेना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। ये अवश्य जरूर कर लेना, तभी आपके खातों में राशि पहुंचने लगेगी। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार लेकर आई थी कोरोना सहायता योजना के तहत एक बहुत बड़ी योजना, जिसके तहत कोरोना काल के अंदर सभी खातों में रुपए 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक राशि सरकार ने पहुंचाई थी। जी हां भाइयों, इसमें बहुत सारी जनता रह गई थी और बहुत सारे खातों में यह राशि आ भी चुकी है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, जिन्हें खातों में राशि नहीं आई तो उनको करना क्या होगा। जी हां भाइयों, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही आ रही है, सरकार बार बार एक ही बात कह रही है कि जिनके जनधन खाते अभी तक आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, वो तुरंत अपने बैंक में जाकर अपने जनधन खाते को आधार कार्ड से जुड़वा, क्योंकि सरकार ने एक बायोमेट्रिक योजना लेकर आई है। उस बायोमेट्रिक योजना के तहत होता क्या है कि आपके आधार कार्ड को बायोमेट्रिक किया जाता है, और उस बायोमेट्रिक करने से आपकी जो फिंगरप्रिंट होती है वो दोबारा से स्कैन की जाती है। बायोमेट्रिक आधार कार्ड कराने से क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ जाता है, और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से भी जुड़ जाता है। जी हां भाई, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे ही आपके मोबाइल नंबर से आपका बैंक खाता जुड़ जाता है, अगर आपके खाते में कोई भी रुपया डलता है तो उसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर तुरंत आ जाता है। जी हां भाई, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अगर बैंक में रुपये निकालने जाते हैं तो आपने जो भी लेन देन की है उसका तुरंत आपको मैसेज के द्वारा पता चल जाता है कि आपके खाते में से कितने रुपये की लेन देन हुई है। तो सरकार चाहती है कि आप अपने खातों को तुरंत अपने बायोमेट्रिक आधार कार्ड से जुड़वा कर तुरंत अपने मोबाइल नंबर से जुड़वा लें। जी हां भाई, जिससे सरकार कोई भी अपडेट निकालेगी उसका सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। इसी प्रकार सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई है, जिसकी वजह से सरकार अभी तक यह चाहती है कि किसानों के सभी खाते आधार कार्ड से जोड़े जाएं, ताकि आने वाले वक्त में किसानों खातों में जो भी रुपए डलेगा उसका मैसेज के द्वारा तुरंत आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा और आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपके खाते में 2,000 रुपए किस्त आ चुकी है। तो सरकार चाहती है कि सभी के जनधन खाते आधार कार्ड से जोड़े जाए। तो भाइयों, अगर आपका अभी तक खाता जनधन खाता है आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो तुरंत बैंक में जाकर अपने जनधन खाते को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जुड़वा ले, ताकि सरकार जो भी आपके खातों में रुपए भेजेगी उसका तुरंत मैसेज के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपके खाते में इतने रुपए डल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, सरकार ने कोरोना काल के बीच में महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर की थी। जी हां भाई, अधिकतर महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए तक की राशि आ भी चुकी है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, सरकार ने कोरोना काल में सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपए किस्त पहुंचा दी है। जी हां भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों के खाते में 2,000 रुपए किस्त पहुंच चुकी है और सभी किसानों ने 2,000 रुपए तक का लाभ उठा भी लिया है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे, जो भी हमारे देश में मजदूर वर्ग के लोग थे, उनके सभी खातों में 1,000 रुपए की सरकार ने राशि पहुंचा दी है। जी हां भाई, इस प्रकार से महिलाओं के 5,000 रुपए, किसानों के 2,000 रुपए और मजदूरों के खातों में 1,000 रुपए की राशि पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नाम लिस्ट में नहीं जुड़वाया है ताकि आपके खातों में राशि नहीं पहुंची है, तो तुरंत लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें। लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही नाम कमेंट करना होगा, ताकि हम आपका आने वाले वक्त में आपका नाम लिस्ट में जोड़ देंगे और आपके खाते में भी ये राशि पहुंचने लग जाएगी। तो भाई, तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना बिल्कुल सही नाम कमेंट कर देना। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, सरकार ने एक सरकारी चैनल चलाया है मोदी योजना लिस्ट के नाम से। अगर आप अपना नाम लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं जिस प्रकार हम आपको बताते हैं, उस प्रकार उस चैनल पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी जाकर आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा। आप देखें ये वीडियो, इसके अनुसार आप ये काम जरूर करें। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वीडियो इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देती है, आपको इस प्रकार से हमारी वीडियो दिखाई देती है। अब लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे जो ये आपको ये एक यहाँ पर ये तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड, इसको आपको दबा देना है भाइयों। जैसे ये हमने दबा दिया, दबाते देखो भाई ये ऊपर हो गया तीर का निशान और यहाँ पर ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया। अब जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको नीचे खुलेगा, यहाँ पर देखो ये आ रहा है लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए, इस लिंक पर क्लिक करो नीचे, तो ये एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको इस लिंक पर लीले हुए लिंक पर क्लिक करना है। इस पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ,
अब देखो भाइयों, क्लिक करते ही आपके सामने ये मोदी योजना लिस्ट का चैनल खुल चुका है। अब आपको ये सबसे पहले लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, देखो भाई सब्सक्राइब करते ही इधर बेल का निशान भी आ चुका है, घंटी का निशान, इस घंटी पर क्लिक करना है। और घंटी पर क्लिक करते ही ऑल का बटन दिखाई दे रहा है, इस ऑल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सरकारी मोदी योजना लिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा आने वाले वक्त में। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, आपने इस प्रकार अगर आप मोदी योजना लिस्ट के चैनल से जुड़ चुके हैं तो आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा, आने वाला होता है आपके खाते में भी 5,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। अगर आप हमारे द्वारा लिस्ट में नाम जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल सही नाम नीचे कमेंट कर देना, ताकि आने वाला होता है आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा, आपके खाते में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। साथ ही भाई जो हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, उसका नाम हम लिस्ट में तुरंत जोड़ देंगे। इसलिए वीडियो को देखते ही 5 और 6 ग्रुपों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करना, ताकि आने वाले वक्त में सरकार जो ये राशि पहुंचा रही है आपके खाते में भी पहुंच जाए। इसलिए वीडियो को देखते ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो भाई वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।